गूगल पे ट्रेंड कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये निगेटिव पब्लिसिटी है। इतना बड़ा इशू हो गया है फोटो को लेके, एक सेल्फी को लेके, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलिए। देखिए, जनता जो सोचना चाहती है उनको खुली छूट है, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर रही वीडियो की सच्चाई की बात, तो वो तो मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। काश आपके साथ कभी भी ना हो, किसी भी तरीके की बेइज्जती आपको ज़िंदगी में ना सहनी पड़े, लेकिन मुझे सहनी पड़ी। सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी, एक बार मुलाकात करना चाहती थी, शायद एक फ़ोटो भी हो जाता, बस इतनी सी थी बात, बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज जो बात हो गई है वो बड़ी बात है। और ये भी जो है कोई प्री प्लानिंग नहीं है, किसी तरीके कोई पब्लिसिटी नहीं है। हाँ, ये पब्लिसिटी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिल्मी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने फिल्मों में काम ज़रूर किया है, लेकिन ना ही मैं उस किस्म की मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मुझे पब्लिसिटी चाहिए। और सलमान जी के साथ काश मेरी इसकी 5% भी अच्छे तरीके से पॉजिटिव पब्लिसिटी होती तो शायद मैं बहुत खुश होती। तो ये जो है चारों तरफ जो मेरे पर्चे छप गए हैं सलमान जी के साथ, हेमा शर्मा, आप सर्च करते हो तो सलमान जी के आ रहे हैं, सलमान जी के पेज पे आप हेमा शर्मा करते हैं तो आ रहे हैं। तो मतलब क्या करें अभी, मतलब मैं बहुत अनहैप्पी हूँ और बहुत स्ट्रेस में हूँ। 3 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ जब से ये न्यूज़ मार्केट में आई है। और वो रही वीडियो की बात, वो बस एक ऐसे ही एक्सीडेंटली जो है मैं वाक्य शेयर कर रही थी, और जो मेरे साथ हुआ है एक्चुअली, और उसको शेयर करते करते मैं जो फूट फूट के रोई हूँ। उस दिन के बाद में 3 दिन में मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, और हर इंटरव्यू में मैं उसी तरीके से रोई हूँ जैसे पहली वीडियो में रोई थी, क्योंकि वो मेरी नहीं, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की और मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है, वो जो मेरे साथ धक्के मार के मुझे निकाला गया था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने ये इशू क्रिएट करके खुद में कहीं गिल्ट फील हो रहा है, या ये चीज बाहर आनी चाहिए थी, आपने इसके बारे में सोचा? मैं भी ऐसा सोचती हूँ, नहीं मैं ऐसा कभी कभी सोचती हूँ कि हिमा ये जो वीडियो जो है जो बाहर आई है, शायद ये नहीं आनी चाहिए थी, मैं ऐसे सोचती हूँ। लेकिन जब मैं सुबह उठ रही हूँ पिछले 3 दिन से, सबसे पहला जो थॉट आता है वो यही आता है कि नहीं हेमा, बात तो तूने सच बोली है, बात तो मैंने सच बोली है, और अब ये बात मैं सच सलमान जी के सामने भी बोलना चाहती हूँ। अब मेरी यही ख्वाहिश है बस। अब जब यहाँ पे बात इमेज की आ गई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सलमान जी के सामने बताना चाहती हूँ कि मुझे ये ऐसा बोला गया था, धक्के मारे गए थे, मुझे नहीं मिलने दिया था आपसे। तो बात रही पब्लिसिटी के नाम इमेज ख़राब होने की, तो मुझे लगता है कि मैं शायद इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी पब्लिसिटी हैंडल कर सकूँ। मैं बहुत नॉर्मल सी लड़की हूँ, पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे सर्वाइव कर रही हूँ इतनी बड़ी जो है नेगेटिव पब्लिसिटी। अभी भी मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, 3 दिन हो चुके हैं, वो बात अलग है, खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ, स्ट्रेस में हूँ बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट सलमान जी तक जो है ये बात पहुँच गई है, तो सलमान जी से मैं बस अब ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बात सलमान जी सच है, मेरे साथ हुआ था ऐसा। आप एक बार मुझे बुलाएं और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कैसे कैसे हुआ था और कितना किस तरीके से मुझे बेइज्जती महसूस हुई थी। और आज हर वीडियो में मैं ये कहते कहते रो रही हूँ, और मैं थक नहीं रही हूँ कि मैं बस आपसे मिलना चाहती थी, बस एक बार मिलना चाहती थी, अपना नाम बताना चाहती थी, रुक के ठहर के, जिससे आप मेरा नाम जाने। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मेरा नाम इस तरीके से आपके साथ जुड़ेगा। मैंने ये ज़रूर कह दिया था 2019 में कि मेरा कनेक्शन आपके साथ है, लेकिन इस तरीके से कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए, बस आप एक बार मुझे बुला लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। आपको एक फ़ोटो की दरकार थी, लेकिन अब तो गूगल पर अगर आपका नाम डाल रहे हैं तो पता नहीं कितने फ़ोटो सलमान खान के साथ में आपके आ रहे हैं। इसको लेके आपके दिल में कहीं ना कहीं खुशी है या नहीं? मैं खुश नहीं हूँ, ये बस मन बहलाने वाली बात है कि मैं एक फ़ोटो चाहती थी, लेकिन आज गूगल पे सलमान जी के नए नए फ़ोटो मेरे साथ लगाए जा रहे हैं, मेरे फ़ोटो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक भी तो फ़ोटो रियल नहीं है ना, जो सलमान जी के साथ मैंने खुद क्लिक किया हो। बस एक वो रियल फ़ोटो तो चाहती थी, कभी मैं भी आपका पोस्ट डाल के हैप्पी बर्थडे बोल सकूँ, कभी मैं भी दिखा सकूँ कि देखो सलमान जी के साथ मेरा फ़ोटो है, कभी मैं भी दिखा सकूँ प्राउडली कि यस आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दबंग 3। मेरे पास नहीं है, बहुत से लोग मुझे दिखाते हैं आजकल, अभी मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मीडियाज़ बोल रही हैं हेमा जी हमारे पास तो सलमान जी खान जी के साथ सेल्फी है, आपके पास तो नहीं है, तो ये हेमा का तो मजाक बन गया सलमान जी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी फिगर होती है वो मिसबिहेव करती है? हाँ जी, वो सबके साथ करती है, मेरे साथ ही नहीं। अभी विक्की कौशल, थैंक गॉड
सबको, सभी मीडिया कर्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने विकी कौशल जी का भी जो है मुद्दा उठा के रखा उन्होंने साथ में मेरी वीडियो के साथ, जिससे जनता को लगे कि ये जब हेमा शर्मा एक आम लड़की है इसके साथ क्यों नहीं हो सकता जब विकी कौशल जी के साथ हो सकता है। उसके बाद सलमान जी ने उनको गले लगाया, तो वैसे ही मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मामूली सी हूँ। सलमान जी एक बार आप मुझे बस बुला लीजिए, एक बार आप बुला लीजिए और मैं आपकी बहुत मुरीद हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ आपकी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरी इमेज की बात आ गई है, लाइफ की करियर की बात आ गई है, वो वाक्य जो मैंने शेयर किया था वो सच है और वही वाक्य मैं बस अब आपके सामने बैठ के दोहराना चाहती हूँ। और मुझे ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। बस आपके साथ एक फ़ोटो नहीं, ये बात आप मेरी सुन लें और आप बस कह दें कि नहीं हेमा ने जो कहा वो सच है, यही मेरे लिए बस बहुत होगा, मेरी लाइफ का अचीवमेंट होगा, अवार्ड होगा जी। अगर आपको बुलाएं और चाय कॉफ़ी हो जाए आपके साथ में एक करें, उसके बाद हैं बोलें कि जिन्होंने आपके साथ में बिहेव किया था उनको माफ़ कर दो, तो फिर आपका क्या है? नहीं, माफ़ वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन मैं सलमान जी के सामने वो सीन क्रिएट करना चाहती हूँ कि मेरे साथ कैसा हुआ था, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, मैं वो करके दिखाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि सलमान खान जी को बुरा नहीं लगेगा जैसा मेरे साथ हुआ था वो देखकर। रही उनकी बात उनके सिक्योरिटीज़ की, उनके लिए कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उनको ये सिखाएँ कि किसी भी इंसान के साथ मिसबिहेव ना करें, कायदे से मना करें, रेस्पेक्टफुली मना करें। और आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे, कोई भी इंसान इतना अनपढ़ गवार नहीं है कि आप मना करें उसके बावजूद भी वो जो है बोले कि नहीं मुझे तो क्लिक करना। लेकिन किसी को इस तरीके से धक्के ना मारें, किसी की बेइज्जती ना करें। हर इंसान की लाइफ बहुत कीमती है और हर इंसान की रेस्पेक्ट उसके लिए बहुत कीमती है, चाहे वो बहुत बड़ा है चाहे वो बहुत छोटा है। तो प्लीज़ सलमान जी, थोड़ा सा आप, मेरी आपसे गुजारिश है, आप बहुत बेस्ट हैं लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही जो है लोगों को इंसान ही नहीं समझते हैं, वो उनको लगता है कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं, तो इंसान को इंसान ही समझे बस। बहुत से लोग आपकी सपोर्ट में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं जगह जगह, बहुत से सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे क्या आप फैंस के बारे में क्या? जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत प्यार, और जो लोग सलमान खान जी के जो मुझे हेट कर रहे हैं उनको और भी ज़्यादा प्यार। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे एटलीस्ट देख रहे हैं, और आप सलमान खान जी के फ़ैन हैं तो उनके बारे में ही आप बोलेंगे। बस इतना कहना चाहूँगी आपको प्यार के साथ कि वीडियो में जो सच्चाई है, जो आंसू है, वो फेक नहीं है, वो किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं है। एक इंसान, एक औरत ने, एक लड़की ने जो है उसके ऊपर बीती, जो उसके साथ हुआ, बस वही बयां किया है। किसी पब्लिसिटी के लिए, किसी बिग बॉस में जाने के लिए, सलमान खान जी से अपना नाम जोड़ने के लिए नहीं किया है। तो प्लीज़, आप भी एक इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, सबसे पहले इंसान होकर इंसान की वीडियो देखें, बाद में आप चाहे बेशक किसी के फ़ैन या किसी के सपोर्टर बन के देखें। फैमिली बहुत डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। पहले दिन ही मेरी बहन का, मम्मी का फ़ोन आ गया था कि ये क्या कर दिया तूने, सलमान खान बड़े लोग हैं, ये है वो है। मैं भी थोड़ा डर गई थी कि ये क्या हो गया है, लेकिन बाद में थोड़ा होश संभाला और थोड़ा सा अपने आप को समझाया और फिर महसूस किया कि जो मैंने बोला वो वीडियो में हुआ था मेरे साथ। एवरी डे मैं अपने आप को यही समझाती हूँ कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो कहा है वो सच कहा है, मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ मेरी बेइज्जती की गई थी, मुझे सेट से भगा दिया गया था। और जो है मैं उस चीज़ को आज भी जितनी बार याद कर रही हूँ उतनी बार मुझे फील होता है कि आज ही मेरे साथ हुआ है। और मेरे घर वाले भी डर गए हैं, पर मम्मी को मैंने बोल दिया है कि मम्मी सलमान खान लाइफ देते हैं, लाइफ लेते नहीं है किसी की, सो यू डोंट वरी, इज़ ए गोल्डन मैन, यू नो, गोल्डन हार्ट मैन। तो उनको यही है कि मुझे पता है तू सलमान खान से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा तेरे साथ हुआ मुझे पता नहीं था। तो मेरे फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि तुझे दबंग 3 के सेट से निकाल दिया गया था, तूने हमें कभी नहीं बताया, इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। अक्सर लोग कामयाबी के जो पीछे दर्द होता है, सक्सेस, यू नो, जो कांटों का दर्द होता है वो बताते नहीं, तो उसी तरीके से उसमें बता के मेरी बेइज्जती थी जो अब हो रही है सोशल मीडिया पे, मेरी बेइज्जती हो रही है कि अरे इतना गंदा व्यवहार हुआ इसके साथ, तो कौन अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा। बट एनीवेज मैंने अपने घर वालों को समझाया कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं इतनी ईमानदार हूँ, इसलिए मैं सलमान जी तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बुलाएं और मेरी बात सुनें और समझें और जानें इसकी सच्चाई। जो भी जिसने भी एलिगेशन लगाया, जो भी जिसने भी सलमान खान के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो
सा कैरियर हो, इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप, कितना इनसिक्योर हो, ऐसी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी या कुछ ऐसा नहीं है। मेरा करियर शुरुआत उन्हीं से हुआ था, मेरी ये पहली फिल्म थी यमला पगला दीवाना फिर से, जिसमें वो भी थे, ये मुझे बाद में पता चली। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई कम टू नो कि जो है मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी। और रही करियर की बात, तो मैं करियर को लेकर ज़्यादा नहीं हूँ कि मुझे बहुत फिल्में करनी है। मेरी लाइफ का एक छोटा सा ड्रीम था जो बहुत बड़ा बन गया था, और उसको पूरा करने के लिए मैंने बहुत मुश्किलें की, वो है सलमान खान जी, और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो अभी आगे करियर में क्या करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सलमान जी जो है लड़कियों का करियर डुबाते नहीं है, उनका करियर बनाते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है। वो कभी किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं करते, और इसी वजह से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि हेमा ने जो बोला है वो सच है, आई एम श्योर उस दिन वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे और जो है मेरे से दो बात करेंगे। और करियर तो बात की बात है, उस दिन मेरी लाइफ बन जाएगी बस। थैंक यू सो मच हमसे बात करने जी, थैंक यू सो मच। ये कामना जो है पूरी हो, वो आपके साथ में सेल्फी लें और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें। ओह माय गॉड, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।